बिलासपुर युवा कांग्रेस की बैठक प्रीति गृह बिलासपुर में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस आशीष ठाकुर ने की। बैठक के बाद क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ रोष रैली निकाली और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। रैली के बाद हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार का पुतला भी जलाया गया। इस मौके पर युवाओं को संबोधित करते हुए आशीष ठाकुर ने सरकार के खिलाफ जमकर गुबार निकाला। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस जिला से राष्ट्रीय और प्रदेश स्तरीय नेता होने के बावजूद यहाँ का क्षेत्रीय अस्पताल है, वे आज रेफरल अस्पताल बनकर रह गया है। सरकार में बड़े बड़े नेता काम करने के बाद इन नेताओं को जनता के हितों की कोई भी परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला की जनसंख्या 4 लाख से ज्यादा होने के बावजूद क्षेत्रीय अस्पताल में एक भी मेडिसिन स्पेशलिस्ट कार्यरत नहीं है, जिससे आम जनता को काफी परेशानी हो रही है। आशीष ठाकुर ने कहा कि पिछले एक महीने से लगभग 6 चिकित्सक क्षेत्रीय अस्पताल से ट्रांसफर होकर अन्य जिलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। युवा नेता ने प्रदेश सरकार एवं जिला स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि आने वाले एक सप्ताह में कम से कम 3 मेडिसिन स्पेशलिस्टों की नियुक्ति के साथ रिक्त पड़े चिकित्सकों के पद भरे जाएं, अन्यथा युवा कांग्रेस आंदोलन को उग्र करेगी, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश एवं जिला प्रशासन की होगी। बिलासपुर जिला में लगातार बढ़ रहे आवारा पशुओं की समस्या से नाराज स्थानीय ग्रामीणों व किसानों ने मिलकर धर्मशाला शिमला नेशनल हाईवे स्थित बिलासपुर जिला के भगेड़ चौक पर रजिस्टर्ड आवारा पशुओं के साथ जमकर हंगामा किया और NH पर चक्का जाम किया। लगभग 2 घंटे तक चले इस प्रदर्शन के चलते शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर सहित धर्मशाला की ओर से आ रहे सैकड़ों वाहनों का लंबा जाम लग गया। यही नहीं, इस जाम में 2 108 एम्बुलेंस भी फंस गई, लेकिन गनीमत ये रही कि इन एम्बुलेंस में कोई पेशेंट नहीं था। वहीं लंबे चक्के जाम को देखते हुए घुमारवीं पुलिस ने मौके पर आकर जाम खुलवाने की पूरी कोशिश की, मगर नाकाम रहे। ग्रामीणों के इस उग्र प्रदर्शन को देखते हुए SDM घुमारवीं शशिपाल शर्मा, DSP राजेंद्र जसवाल सहित पशुपालन विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों से बात करके कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। प्रदर्शनकारी सुनील शर्मा का कहना है कि बिलासपुर जिला में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और सड़कों पर घूमने वाले ये आवारा पशु पंचायत स्तर पर पशु मालिक के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। बावजूद इसके ये पशु सड़कों पर आवारा घूमने को मजबूर हैं और पशुपालन विभाग और पंचायत इस दिशा में कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा है। शहीद स्मारक समिति धर्मशाला के अध्यक्ष कर्नल सेवानिवृत्त SK डडवाल ने बताया कि वर्ष 1971 में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो जीत दर्ज की थी कि उसी की याद में विजय दिवस मनाया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश थी कि स्कूली बच्चे और आम जनता भी इसमें आती और देखती कि हमारी सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कितनी बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने बताया कि 90,000 सशस्त्र सेना ने आत्मसमर्पण किया था। इससे पहले ये स्टालिनग्राद में हुआ था, जहां हथियारबंद सैनिकों ने सरेंडर किया था। भारत की ये सबसे बड़ी विजय है और भारत की वीर भूमि और वीर जवानों और शूरवीरों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जहां प्रदेश भर में एक माह का ड्रग्स फ्री अभियान चलाया जा रहा है, तो वहीं 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चले इस अभियान के तहत जिला पुलिस बिलासपुर द्वारा जगह जगह पर नाके लगाकर चेकिंग कर नशाखोरों की धरपकड़ की। बिलासपुर जिला की बात करें तो यहां पर SIU की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसके चलते 2 अलग-अलग मामलों में एक उप प्रधान सहित बिहार के रहने वाले युवक से 56 ग्राम हीरोइन और 366 ग्राम चरस सहित 22,000 की नकदी भी बरामद की गई।
नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक साक्षी वर्मा ने बताया कि एक माह के इस अभियान के अंतर्गत NDPS एक्ट के तहत 15 मामले सामने आए हैं, जिनमें 17 तस्करों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला पुलिस द्वारा नशा तस्करों से भारी मात्रा में हीरोइन व चरस भी बरामद की गई और एक माह के इस अभियान के खत्म होने के बावजूद भी लगातार नशे के काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए जिला पुलिस लगातार काम कर रही है।